इस कोविड-19 सेंटर में आज आपकी पूरी टीम जो है वो मेडिकल जांच कर रही है, किस तरह की प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है इनको और कितना ये इम्पोर्टेंट आपको लगता है? कोविड-19 का जब शब्द निकलता है तो ये समझ लो कि ये इंटरनेशनल पेंडेमिक प्रॉब्लम है, कि अपने देश के पूर्ता नहीं है, ये तो पूरे विश्व का प्रॉब्लम है। और जिस तरह से बढ़ रहा है ये, उसकी तरफ से तो हर नागरिक का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम हमारे देश के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए क्या पार्टिसिपेट करके वर्ल्ड को एग्जाम्पल बनाएं और कम से कम लोग इंडिया में इन्फेक्ट हों और कम से कम डेथ हों। ये बात को समझ के ये जो कोविड सेंटर जो हमारे NMC ने बनाया है, उसके अंदर जो भी शरणार्थी रखे हुए हैं कोविड के इसके अंदर से क्वारंटाइन में, उनकी हेल्प के लिए दिशा फाउंडेशन और महाजन हॉस्पिटल की तरफ से ये एक कार्यक्रम रखा गया है, जो उनका चेकअप करके, उनको मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करके, उनको कोविड-19 का इंफॉर्मेशन देने का और उनको ओरिएंट करने का, इस सब्जेक्ट के बारे में कितना सीरियसनेस है। ये प्रोग्राम हम रेगुलर करते रहेंगे और ऐसे सब ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए हम पार्टिसिपेट करते हैं दिशा फाउंडेशन और डॉक्टर महाजन हॉस्पिटल की तरफ से। ओके, थैंक यू। पूरा हाहाकार मचा हुआ है कोविड-19 का, लोगों को बचने की सलाह दी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी जा रही है और जो ज़रूरी मेडिकल जो सावधानियां हैं वो बरतने की बात की जा रही है। एज ए डॉक्टर आपको क्या लगता है, क्या ये बीमारी इतनी खतरनाक है और इसका उपाय क्या है? तो सावधानी ही सिर्फ उसका उपाय बचा है? जब कोविड-19 का सब्जेक्ट निकलता है तो बीमारी उतनी ख़राब नहीं है जितनी हम घबरा रहे हैं, मगर ये इन्फेक्टिव ज़्यादा है और मास पॉपुलेशन को पहुँच रही है, जिसकी वजह से इसके जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, जो पहले 10 दिन में जिनको इन्फेक्शन हो जाएगा, यंग पॉपुलेशन, वो सबसे डेंजर होता है, जिसकी वजह से जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है वो रिस्क में आ जाता है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़रूरी है, ये इससे मेडिसिन और ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग काम करेगा, जिसकी वजह से हमको कांटेक्ट तोड़ना है इन्फेक्टेड लोगों से। यदि ये टूट जाएगा तो हमारे पास की मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी बहुत कम हो जाएगी। और वैसे भी हम इंडिया में जैसा देखा है तो हमारे मुख्य हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने सबसे वर्ल्ड में सबसे पहला निर्णय लिया है ये सोशल डिस्टेंसिंग का, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड के अंदर आज हिंदुस्तान का नाम टॉप पर गिना जाता है ये पर्टिकुलर सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। और अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रतिभाशाली देश भी, अमेरिका, इटाली, आज वो हमको फॉलो करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। तो मुझे लगता है कि ये जो मोमेंट है हमारी, बीमारी से डरने से अच्छा उसकी फिक्र करना ज़रूरी है, हमको उसको प्रिवेंट करने की ज़रूरत ज़्यादा है, उससे डरने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है हमारे पास। नवीन भाई की अगर हालत आप देखें तो क्या लगता है आपको, ये यहाँ पे नियंत्रण में है और क्या आप खास सावधानी बरतने के लिए लोगों को आप कह सकते हैं? आज पूरे हिंदुस्तान का यदि किया जाए पॉपुलेशन के हिसाब से, हम काफ़ी अच्छे स्थल पर हैं। वैसे नवी मुंबई के हिसाब से देखा जाए तो हम अभी भी काफ़ी अच्छे स्थल पर हैं। हमारी जो लोकल गवर्निंग बॉडीज़ है, कॉरपोरेशन है, NMC है, हेल्थ अथॉरिटीज़ है और कमिश्नरेट है और पुलिस है, इन्होंने बहुत इतिहास से ये सब मैनेज किया है, इसको सेग्रीगेट किया, इसकी वजह से हमारे पास में देखा जाए तो इन्फेक्शन का रेट भी कम है और डेथ भी कम है। और यही हमें स्ट्रिक्टली यदि हर नागरिक ने इसको अपनी जिम्मेदारी बोलकर करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग, तो शायद हम ये कोविड-19 की जो फाइट है हम इजीली जीत सकेंगे। और इसमें हमारे लोकल अथॉरिटीज़ का बहुत बड़ा सहभाग है और डॉक्टर्स ने भी काफ़ी मदद कर रहे हैं सब जने, इवन इंडिविजुअल आदमी भी आजकल हर कोई सपोर्ट कर रहा है, इवन पुलिस सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। दिशा परिवर्तन फाउंडेशन जैसे जो संस्थाएं हैं इस तरह की मानवीय पहल कर रही हैं लोगों को बचाने के लिए, खासकर हेल्थ चेकअप के जरिए, ताकि और भी उनको तकलीफ ना होने पाए, आप इसे कितना इम्पोर्टेंट मान रहे हैं? जैसे मैंने बताया कि हर नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जितने भी ट्रस्ट दिशा फाउंडेशन की वजह से जो है जो आगे आएंगे और इसमें पहल करके सोशल कंट्रीब्यूशन अपना जो होता है सोसाइटी का और कंट्रीब्यूट करेंगे, तो शायद हम दिशा फाउंडेशन के वैसे बाकी ट्रस्ट को भी इनकरेज करेंगे कि वो भी सामने आए। ऐसे जो शरणालय रखे वाले हैं, जहाँ पर वर्कर्स रखे वाले हैं, बेगारी रखे वाले हैं, जिनकी प्रोटेक्शन के लिए, हेल्प के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, दिशा फाउंडेशन बहुत अच्छा काम करती है। थैंक यू सर। अभी आप हॉस्पिटल की मदद से कुल कितने लोगों का चेकअप आप करवाने वाले हैं और इससे उनको कितना, किस तरह से उनकी भावना आपका दिख रही है आपको, कि जिस तरह से फ्री में चेकअप आप करवा रहे हैं लोगों? अभी सर जैसा का मुझे कल के आंकड़े से ये था
243 यहाँ पे लोग थे दिहाड़ी मजदूर, और 7 या 8 लोग जो है ये रेलवे ट्रैक वासी से जा रहे थे पनवेल साइड में, अलीबाग जाना था, कोई अच्छी फैमिली है उनको भी इधर रोका गया। कुल मिला के 250 के ऊपर ही है, 52 दो चार और बड़े होंगे, उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। इतने 250 मान के चले हम, 250 आज पूरा जो है करके तब यहाँ से जाएंगे। इस दौर में जबकि बहुत सारे हॉस्पिटल इस तरह की सेवाएं नहीं दे रहे हैं, महाजन हॉस्पिटल और डॉक्टर प्रदीप महाजन इस तरह की पहल कर रहे हैं, आपको समर्थन कर रहे हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं कि ये जो सामाजिक पहल है उनके जरिए सफल हो रही है? सर ये तो बहुत बड़ा संदेश है, डॉक्टर महाजन हमारे साथ आए हैं, और भी जो आपके मीडिया आपका सबसे बड़ा सहयोग होगा आप अगर देंगे, और भी डॉक्टर मैं नहीं समझता हूँ जो नहीं आएंगे। और जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे कि भाई मेडिसिन की ज़रूरत है, मेडिसिन बहुत कम पड़ रहा है, नहीं हो पा रहा है, कल रात से मैं वाशी में अयप्पा मेडिकल स्टोर, न्यू सिटी मेडिकल स्टोर, ये रास्ते में और ये कई जितने थे सबके पास मैं गया, सब ने 2, 4, 6, 10 पत्ते पूरे वाशी मेडिकल स्टोर ने सब ने मुझे सहयोग किया, वो मेडिसिन लेके आया, और डॉक्टर साहब बाकी जो मेडिसिन था डॉक्टर साहब लेके खुद आए हैं, पूरा अपना जो कि इक्विपमेंट है सब सारा उपयोग डॉक्टर महाजन का है, इसमें रवाले से ट्रस्ट के ये सेवा डॉक्टर प्रदीप महाजन रवाले से देते हैं।